जी बस ये छोटा टाउन इमदाद दे रहा है। वैसे तो आपको ये पक्के मकान नज़र आ रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मोहम्मद मुरीद अब्बास जब जिंदा थे तो इस घर में रौनक थी, और जवानी की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से वो इस दुनिया से चले गए। और अब ये बेसहारा बच्चे छोड़ के इस दुनिया से रुख सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, नदीम टीवी एंड स्पोर्ट पर आपको खुशामदीद कहते हैं। वीवर 22 सितंबर 2021 हम पहुंच चुके हैं मोहम्मद मुरीद अब्बास के घर। तकरीबन हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि ये ऐसा घर है जिसकी हम पार मात इमदाद कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं मोहम्मद मुरीद अब्बास के घर। मोहम्मद मुरीद अब्बास के लिए दो मजबूत बच्चे, सिर्फ आपसे हमारी ये गुजारिश होती है कि ना तो हम आपसे ये इमदाद मांगते हैं कि इन बच्चों के लिए हमें इमदाद चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह यतीम कफालत प्रोग्राम के कुछ ऐसे मेंबर हैं जो पार मान के लिए इनकी इमदाद कर रहे हैं। सिर्फ आपसे ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को सके तो प्रमोट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम इस स्टेज पर पहुँच जाएँ कि हम लोग की ये 3500 रुपये की इमदाद हम पार मान करते हैं, लेकिन ये आज की महंगाई की दौर में कुछ भी नहीं है। आपसे ये ताउन की अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इनकी ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद कर सकें। ये 3500 रुपये की इमदाद छोटा टाउन पहुँचाएगा। जी बस ये छोटा टाउन इमदाद दे रहा है। वैसे तो आपको ये पक्के मकान नज़र आ रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मोहम्मद मुरीद अब्बास जब जिंदा थे तो इस घर में रौनक थी, और जवानी की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से वो इस दुनिया से चले गए। और अब ये बेसहारा बच्चे छोड़ के इस दुनिया से रुख सकते हैं।